हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको इनपुट डिवाइसेस के बताया था कि कैसे इनपुट डिवाइस होते हैं और कैसे इनका यूज करते हैं। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक, लगभग ट्रैक बॉल तक। कहाँ तक पढ़े थे? ट्रैक बॉल। और आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे टच स्क्रीन क्या है, लाइट पेन क्या है, बीसीआर क्या है, ओएमआर क्या है, इन सब के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं टच स्क्रीन पर। अब टच स्क्रीन में सबसे पहले क्या दे रहा है, क्या रहा है? टच स्क्रीन वह स्क्रीन होती है जिसके छूने से वह काम करने लगती है। यानी कि यह एक ऐसा स्क्रीन होगा ना जिसको हम जैसे टच करेंगे वैसे अपना काम करना स्टार्ट करें। यानी जिसमें किसी काम को करने के लिए बटन को दबाने के बजाय उसकी सतह को छूने मात्र से ही वह पॉइंट माउस के पॉइंटर के क्लिक की तरह कार्य करे, उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर जो कोई हम बटन से कोई काम करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, उस बटन को प्रेस करते हैं तब जाकर वो माउस के पॉइंटर का काम करता है। जैसे अगर जब भी हमारे पास जो कंप्यूटर और ये टच स्क्रीन वाला होता तो माउस के जैसे हमको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ हम उस पर क्या करते हैं, स्पर्श करते, और जैसे स्पर्श करेंगे वो अपना काम करना स्टार्ट कर दे। अब मैक्सिमम चीजें आप लोगों को ये पता चल रही होंगी कि ये आखिर टच स्क्रीन जो होता है छूने से कैसे काम कर जाता है। आ रहा समझ में ना? इतना ध्यान दीजिएगा, जब भी स्क्रीन होता है ना और स्क्रीन के किसी पार्टिकुलर हिस्से को हम टच करते हैं ना, किसी पार्टिकुलर हिस्से को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो जहां पे टच करते हैं वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। वहां पे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसके अंदर थोड़ा सा दबाव महसूस होता है और उसी से वो क्या करता है, अपना काम करना स्टार्ट करता है। अब ऐसे हम कहीं भी क्लिक नहीं करते हैं, डिस्प्ले पे जो आइकन दिखाई देता है उसी आइकन पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो जैसे हम उस स्क्रीन को टच करेंगे ना, उसको लगेगा हाँ हमने प्रेशर इस जगह पे दिया है, वो डायरेक्टली अपने अंदर लगे आईसी को देगा और वो क्या करेगा, उस आइकन पे लाके क्लिक करेगा। तो टच स्क्रीन क्या है, जिसको हम छुए, यानी कि माउस की तरह हमको बार बार कर्सर ले जाने की आवश्यकता नो, वही हमारा क्या होगा, टच स्क्रीन। सिंपल ये चीज कि टच स्क्रीन क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जिसको छूने मात्र से ही वो माउस के पॉइंटर का काम करने लग जाए वो क्या कहलाता है, टच स्क्रीन। और टच स्क्रीन के जब आगे जाएंगे तो आता है क्या, लाइट पेन। का मतलब क्या कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए और वो चलना स्टार्ट कर दे, इसे ही लाइट पेन कहेंगे ना। हाँ ध्यान दीजिए, जो क्या होगा, जो ज्यादातर इसका यूज किया जाता है, आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं ना वो ज्यादातर लाइट पेन का यूज करते हैं। ज्यादातर किसका यूज करते हैं, लाइट पेन का। क्यों? आप कह रहा लाइट पेन से अभिप्राय फोटोग्राफी में काम लाए जाने वाले उस पेन से है जो किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए और उस पर प्रकाश डालने में काम आता है। सपोज करिए कि अगर हम कोई ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोई इमेज एडिटिंग कर रहे हैं, आप लोग तो इसमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो फोटो एडिट करते होंगे, आया समझे ना। जब फोटो एडिट करते हैं ना, देखिएगा जब भी आपको कुछ एडिट करना होगा ना तो अलग अलग पेन लेना होता है, अलग अलग ब्रश करके आता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अलग अलग उसमें लाइटिंग इफेक्ट देते हैं, आया समझे ना। अगर जो उससे हम करेंगे ना, आप सिंपली बस इतना समझिए, आप फोन अपना लिए हैं और फोन के ऊपर आप अपने फिंगर से कर रहे हैं, कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम स्क्रेच यहाँ करें तो उसके बगल आसपास में भी चला जाए, एडिट कर रहा है ना, सपोज में स्क्रीन है और इसके बिल्कुल पास हम को ले जाना, मुझे फिंगर से लेके जा रहे हैं तो इसके नीचे हमको दिखाई नहीं देगा ना, दिखाई हम स्केच कैसे करें, ऊपर नीचे जा सकता है ना, हम चाहते नहीं जैसे लेके जाए बिल्कुल ऐसे सिंपल दिखाई दे, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइट। लाइट पेन सिंगल वर्क नहीं करता है, इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे डिजिटाइजर। क्या पढ़ेंगे, डिजिटाइजर। अब जैसे हम डिजिटाइजर पे क्या करेंगे, इस लाइट पेन से जैसे जैसे स्क्रेच करेंगे ना वैसे वैसे डिजाइन आपके कंप्यूटर में बनता हुआ चला गया। यदि आपने इमेज लिया, इमेज पे आप चाहते जैसे आपको इमेज यहाँ दिख रहा हो, हम चाहते बस उसके पास हमको लेके जाना है, फिंगर से लेके जाएंगे, जस्ट उसके ऊपर फिंगर है तो नीचे दिखाई देगा, हम ऊपर ले जा रहे हैं नीचे लेके आ रहे हैं, नहीं दिखाई देगा। और वही अगर हम यहाँ पे करें और वो हम देखें यहाँ पे माउस के माध्यम से, कर्सर के माध्यम से, वहां पर हम आसानी से रीड कर पाए, वो किसके माध्यम से संभव हो पाता है, लाइट। और यहाँ पे कह रहा है आगे,
वह एक इनपुट डिवाइस जिसके जरिए हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं और कंप्यूटर पर काम करते समय लाइट पेन एक रिसेप्टर की तरह काम में लाया जाता है। जैसे आप लोग वो यूज किए हैं ना, स्लेट और पेंसिल, या कागज से आप लोग क्या करते हैं, कुछ ड्राइविंग बनाते हैं ना पेंसिल से कागज पे, वैसे हम ड्राइविंग कुछ बनाना चाहते हैं ना, फिर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट पेन और डिजिटाइजर। क्या करेंगे, डिजिटाइजर के ऊपर जैसे जैसे हम क्या करेंगे, लाइट पेन के माध्यम से स्क्रेच यानी कि डिजाइन करेंगे, वो सारा का सारा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बनता हुआ दिखाई दे। लाइट पेन का मतलब ये मत समझिएगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए तब वो चलना स्टार्ट करेगा। नीचे वाला डिजिटाइजर है जिसको ग्राफिक्स टेबलेट कहा जाता है, और ऊपर जिसे लिखा जा रहा है वो क्या है, लाइट पेन, यानी हम इस पे कुछ भी करेंगे तो इफेक्ट आपको यहाँ डिजिटाइजर या ग्राफिक्स टेबलेट पे नहीं दिखाई देगा, यानी कि जो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना साइड में, यहाँ पे हम कोई भी काम करेंगे ना इस पे, इसका इम्पेक्ट इस पे नहीं दिखाई देगा, बल्कि सारा किस पे दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिखाई दो, किस पे दिखाई देगा, स्क्रीन, थोड़ा सा जूम कर देना दिख जाएगा, दिख हाँ रहा सबको ना। और देखिए हमको सारा काम करना किसके ऊपर है, कंप्यूटर में, लेकिन काम यहाँ पे करेंगे और सारा इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, समझे ना। अभी इसके आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके आगे जब जाएंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिजिटाइजर, क्या पढ़ेंगे, डिजिटाइजर यानी कि ग्राफिक्स टैबलेट, जो क्या कह रहा है यहाँ पे, डिजिटाइजर टैबलेट को ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर में ड्राइविंग या ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक टच स्क्रीन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है, इसमें स्टाइलस की सहायता से कुछ भी ड्रा किया जा सकता है, और हम इसे बिल्कुल स्लेट व पेंसिल की तरह प्रयोग कर सकते। और यदि आप यहाँ बगल में प्रीव्यू देखें ना, बगल में यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे इस पे स्क्रेच बनाएगा वैसे वैसे आपके कंप्यूटर में आप स्क्रेच दिखाई, जैसे देखिए अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे इस पे डिजाइनिंग कर रहा है ना, और ये सारे स्क्रेच किस पे दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये किसके माध्यम से संभव है, यानी कि डिजिटाइजर नीचे रहे जो एक टच इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है, और लाइट पेन के माध्यम से हम जो भी लिखेंगे वो सारा स्क्रीन ऊपर दिखाई। इतना क्लियर हो रहा है ना कि लाइट पेन क्या और डिजिटाइजर क्या है। तो लाइट पेन क्या है, एक पेन की तरह होता है जिसका ज्यादातर इस्तेमाल कोई ड्राइंग बनाने, यानी कंप्यूटर में कोई ड्राइंग बनाने या इमेज के ऊपर कोई लाइटिंग इफेक्ट देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते। क्लियर सबको। और इसके बाद से अब आगे जाएंगे ना, अगला आपको दिखाई देगा बीसीआर, बारकोड रीडर। ये समझने से पहले आप लोग ये बताइए, सभी लोग लगभग शॉपिंग मॉल में गए होंगे ना, और जब वहां पे हम कोई सामान खरीद के लेके जाते हैं उसको दिखाते हैं, वो सिंपल क्या करता है, छोटा सा पर्ची निकालता है, उसको स्कैन करता है, उसको पता चल जाता है उसका क्या रेट, कौन सा प्रोडक्ट है, समझो। तो आप लोगों ने सोचा उसका क्या नाम होगा, वही बीसीआर होता है, बारकोड रीडर। ठीक है, दो चीज आता है, एक बारकोड आता है और एक क्यूआर कोड आता है। क्या आता है, एक बार कोड आता है और दूसरा क्या होता है, क्यू आर कोड आता है। तो बार कोड और क्यू आर कोड में क्या डिफरेंट है समझ लीजिए, जो बार कोड होता है, बार कोड क्या करता है, सिर्फ डिजिट को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, डिजिट को। जैसे आप लोग देखिए कोई प्रोडक्ट जब लेंगे ना, आपको ऐसे बार कोड जरूर दिखाई दे, सबको ट्रिपल सी का भी दिया गया है ना, पीछे देखिए बार कोड लिखा गया दिखा है ना, अब उसी पे उसका सीरियल नंबर लिखा होता है, उस बुक का है, चाहे कोई बुक हो चाहे कोई प्रोडक्ट हो ना, सबका एक सीरियल नंबर होता है, कितने नंबर पे प्रोडक्ट बना हुआ, जितने नंबर बना हुआ उसका सीरियल नंबर वहां पे दिया गया, और वही सीरियल नंबर की कोडिंग किसमें की जाती है, मोटी पतली लाइनों की सीरीज में की जाती है। अब जैसे हम इसको स्कैन करेंगे ना, तो नीचे जो डिजिट लिखा गया है ना, यही डिजिट क्या करेगा, इंसर्ट करा देगा हमारे कंप्यूटर, बस बार कोड का यही काम। और क्यूआर कोड का क्या है, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, जो शीघ्रता से रिस्पॉन्स दे सकता है। और क्यूआर कोड के अंदर हम एक लेटर से लेकर के और लगभग लगभग जितना हम लेटर देना चाहते हैं उतना तक हम क्यूआर कोड उसके अंदर बना सकते हैं।
यानी कि अगर जो आप अपने डिटेल का सारा एड्रेस देना चाहते हैं ना, तो क्यूआर कोड में दे सकते हैं, लेकिन बार कोड में नहीं दे सकते। हाँ, बार कोड में सिर्फ क्या दे सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हैं। क्या क्लियर हो रहा है ना? तो अब इसका ज्यादातर इस्तेमाल प्रोडक्ट में इसलिए किया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर हमको पहचान करने में आसानी हो। अगर ये बताइए, टाइप करना हो, अगर यही 00 ही लिखना हो तो काफी समय लगेगा 00 लिखने में ना। तेरे पास एक बुक पे देखो, उसका सीरियल नंबर अलग दिया गया हो, कहीं 1 2 3 ऐसे 4 3 6 ऐसे कुछ करके दिया गया, और वही कंप्यूटर में टाइप करने काफी ज्यादा समय लगेगा, लेकिन वही अगर मैं इस्तेमाल कर लेंगे इसका VCR, बस सिंपली क्या करें, बार कोड के सामने ले जाएंगे, एक बार बटन दबाए तुरंत ही हमारे कंप्यूटर में टाइप कर, वही क्या होता है VCR, यानी कि बार कोड। जो बार कोड वो क्या करता है, रीड करता है, पढ़ता है। यहाँ बता रहा है, बार कोड रीडर एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, और यह बार कोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा का इनपुट आपके कंप्यूटर में सीधे सीधे ले जाए। जो भी हमको काम करना हो ना, जो भी बार कोड के अंदर जो डेटा लिखे होते हैं उसको इनपुट करेगा, और इनपुट करके सीधे हमारे कंप्यूटर के अंदर लाके शो करा। वो किसके माध्यम से संभव होता है, PC, यानी कि बार कोड। और आगे कह रहा है, यह डिवाइस बार कोड को पढ़ने में काम आती है। आखिर किसको पढ़ने में काम आता है, बार कोड। बाकी अगर हम इसे सोचे ना एक QR कोड को स्कैन कर सकें, इससे संभव नहीं, इससे ज्यादातर क्या स्कैन होगा, बार। और आगे कह रहा है, बार कोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है जिसमें पतली और मोटी लाइनों की एक सीरीज होती है, और इन लाइनों को बार कहा जाता है। इन लाइनों को क्या कहा जाता है, बार। और इन्हीं के बीच देखिए क्या होता है, कह रहा है, और इसकी जो कोडिंग होती है, यानी कि जो कोड होता है वो सारा किसके अंदर किया जाता है, जो मोटी और पतली लाइनों की सीरीज होती है ना उसी के बीच में किया जाता है। इतना क्लियर सबको ना? यानी कि जब भी हम जाएंगे ना, तो अगर जब हम मोटी और पतली लाइनों का कुछ सीरीज देखेंगे, वो हमारा क्या होगा, बार कोड होगा। क्या होगा, बार। और इसी बार कोड में कुछ नंबर की कोडिंग की जाती है, जैसे हम इसको स्कैन करेंगे ये नंबर ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देने लगा। क्लियर सबको? और हाँ, बार कोड के बाद जब आगे जाएंगे ना, अगला डिवाइस आपको दिखाई देता है क्या, OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या दिया है, ऑप्टिकल मार्क। सर, इसमें सभी लोग ऐसे होंगे ना जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम दिए होंगे, और सभी लोग दिए हैं ना, और इस समय जो भी आप लोग एग्जाम देते हैं ना वो OMR सीट पे ही पॉसिबल हो पाता है। जैसे जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं ना, इसमें ग्रेजुएशन जितने भी लोग एग्जाम देते होंगे उसमें ज्यादातर ही कर दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा हमको आंसर शीट मिलता है, क्या मिलता है, छोटा सा आंसर शीट मिलता है जिसमें ऑप्शन दिया गया होता है A, B, C और D। जो सही होता है उसके सामने वाले सर्कल को पूरा क्या करना होता है, फिल करना होता है। अब कहीं आपने एग्जाम ले लिया, और अगर जिसको पहचानना हो कौन सही है कौन गलत है, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर जो हम एक एग्जाम ले लिए हैं, एक बार में आप लोग देखे होंगे कम बच्चे एग्जाम देते हैं, और उतना एक एक चीज करने लगा जाए तो कम समय लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो उसी के लिए बना है क्या, ऑप्टिकल मार्क रीडर। हाँ, अंतर क्या होता है, जो क्वेश्चन हमको चेक करना है ना, इस क्वेश्चन का आंसर पहले हमारे OMR में फिट रहता है कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, आ रहा समझे ना, इसको स्कैन करेगा और स्कैन करके अपने अंदर मौजूद क्वेश्चन से मैच कराएगा। अगर जो उसमें हमने पहला क्वेश्चन किया, कौन सा किए, पहला, और पहला में उसमें आंसर लगाया कि ये सही है, कौन सा सही है, ए। और यहाँ जो हमने ए लगाया है उसको नंबर दे देते हैं, उसको टिक कर, सही हो जाएगा। और फिर हमने दूसरा भी क्वेश्चन किया सेम इसी पैटर्न, और दूसरा हमने क्या किया ना कि उसमें आंसर लगा इतने बी सही है, उसमें हमारे कंप्यूटर में क्या लगा है, बी सही है, लेकिन हमने कर दिया यहाँ पे सी, कौन सा कर दिया, सी। जब इससे उससे क्वेश्चन से मैच कराएगा, ये सीधा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो। और एक चीज और आप लोग सुने होंगे कि अगर जो आप एक में लगा दिए ना तो आप दूसरे में नहीं लगा सकते, आया समझे ना, इसमें लगा दिए आपको पता चला नहीं ये हमारा सही है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे ही करेंगे ना, और बाद में इसको सही करेंगे,
कोई व्यक्ति तो पहचानेगा नहीं इसको, किसी किसी भी चीज से लगा, लेकिन ज्यादातर दिया जाता किससे, या तो ब्लू पेन से या तो ब्लैक पेन, बस दो पेन का इस्तेमाल कर, क्योंकि इन दोनों से ये बेनिफिट मिलता है ना कि जो मशीन होता है ना वो एक्चुअली कंफर्म उसको पहचान लेता है कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत, आया समझे ना, तुरंत स्कैन करके अपने अंदर मौजूद क्वेश्चन से मैच करा लेता है। और यहाँ पर आपने ऐसे कर दिया तो उसको पहचानता ही नहीं कि पहला सही है कि दूसरा सही है, वहां पर उसको फाल्स भेज देता है कि इनके बिल्कुल ये क्या है गलत, इसीलिए बताया था कि जब आप लगाइए फिर कितना लगाइए, जो एक सही है उसी में लगाए, आ रहा समझे ना, जो सही बस उसी पे लगाए, और आपने गलत कर दिया वो गलत ही रहने दीजिए। आ रहा समझे ना। और इसके बाद से इसका ज्यादातर एक जगह और इस्तेमाल किया जाता है, अभी इधर तो कम है ना, आप लोग देखते हैं ना सेमिनार होता है तो लोगों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं लोग ना कि आप हमारे यहाँ आइए ये गुड्स परचेस कर लीजिए, हमारे यहाँ ये इतना गुड्स परचेस करें तो आपको इतना ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसे होता है ना। वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपना सेल जानने के लिए, हमारा कितना किससे सेल हो रहा है उसके लिए भी वो एमआर सीट का इस्तेमाल करती है, कि जिसका ज्यादातर जिस प्रोडक्ट का ज्यादातर इस्तेमाल होता होगा ना उस प्रोडक्ट पे ज्यादातर मार्क लगेगा, उसी प्रोडक्ट का ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा उत्पादन होगा, कि ज्यादा ज्यादा उस प्रोडक्ट को क्या किया जा सके, सेल किया जा सके। अब देखिए इसमें कह रहा क्या, वो एमआर सीट एक ऐसी सीट होती है जिस पर कुछ गोले बने होते, जिस पर क्या होता है कुछ गोले बने होते हैं, और कह रहा है इनका इस्तेमाल मल्टीपल चॉइस टेस्ट के जवाब देने के लिए किया जाए। इनका इस्तेमाल कब करेंगे, जब मल्टीपल चॉइस कुछ टेस्ट हो ना और उसका जवाब देना हो तो हम इसका यूज कर सकते। और कह रहा है ओएमआर सीट में हमें अपने सवाल के जवाब में सर्कल को भरना होता है, कि जो हमारा जवाब सही है ना उसके लिए जो सर्कल दिया होगा उस सर्कल को पूरा पूरा क्या करना होगा, अच्छा फिल कर देना होगा। और आगे कह रहा है सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में ओएमआर सीट का इस्तेमाल किया जाता है। और कह रहा है इसके अलावा आजकल कंपनियां भी अपने किसी प्रोडक्ट के सर्वे के लिए चॉइस को मार्क करने के लिए ओएमआर सीट का इस्तेमाल करती। और जो सपोज करिए हम एक कंपनी ले लिए, कोलगेट ले लिए, क्या ले लिए, अब कोलगेट कंपनी ये चाहती है कि हम अलग अलग स्टेट में क्या करें, कुछ ऐसे सीट भेजें कि जिसमें जो दुकानदार ज्यादातर गुड्स सेल करते होंगे उनसे पता लग जाए कि हाँ कौन सा गुड्स ज्यादा बिकता है, आया समझ में ना, उस स्टेट में हम क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके बेचेंगे। वो कंपनियां जब भेजेंगी तो दुकानदार क्या करेंगे उसको चॉइस करके बताते हैं कि हाँ ये ज्यादा सही है, आया समझ में ना, वो कंपनियां उस प्रोडक्ट का क्या करती हैं ज्यादातर उत्पादन करती हैं। तो ये ओएमआर क्या, ये क्लियर हो रहा है ना, यानी ओएमआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क, कि जहां पे कोई मार्क हो जिसमें किसी एक को पहचानना हो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑप्टिकल मार्क है इधर, क्लियर सबको। और ओ एम आर के बाद से इसमें आपका एक आता है क्या, एम आई सी आर, क्या आता है एम आई सी, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। अब ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या है, देखिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल पता है कब किया जाता है, आप लोग देखेंगे जब चेक लेते हैं ना तो चेक के नीचे एक अलग ही कुछ डिजिट का अंक बना होता है, हाँ समझे ना, अब वही हम ये चाहते हैं कि उसको पहचानना उसको पकड़ना सही है कि गलत, अगर ये सुरक्षा न होता है एटीएम इसमें ना, चेक में पता है क्या होता है, कोई अगर जो एक चेक दिया है ना उसी का ऐसा फोटो कॉपी कर लेंगे ना कि पता ही नहीं चलेगा सिग्नेचर अलग से किया गया कि वही वाला, आया समझे ना, तो उसी को क्या करेंगे डुप्लीकेट बना के फिर हम दूसरी बार निकाल सकते, लेकिन जो ओरिजिनल होता है ना उसमें नीचे आप देखिए तो यहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा हो, दिख रहा है ना, ये एक विशेष लिंक से बनाया गया होता है जिसमें कुछ चुंबकीय कण मिलाया गया होता, क्या मिलाया गया होता, चुंबकीय कण मिलाया गया होता, और जब नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो इसमें आने वाला वो नहीं, और इसी को पहचानना है कि ये गलत है कि सही है फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, एमआईसीआर। तो कह रहे हैं आप बैंकों द्वारा इस एमआईसीआर कोड का उपयोग चेक पास करने में किया जाता है, कि अगर जो चेक पास करना हो ना हम इस एमआईसीआर का यूज करते। और आगे कह रहा है एमआईसीआर कोड के जरिए चेक की सुरक्षा बढ़ जाती है, अगर जो एमआईसीआर कोड ना रहे ना तो चेक सुरक्षित नहीं है,
एक चेक के बदले कई सारा चेक बन सकता, अरे समझे ना। और आगे कह रहा है, MICR कोड को पढ़ने के लिए MICR रीडर का उपयोग किया जाए, कि अगर जो आपको एक चेक मिला है तो बैंक में लेके जाते, तो आप लोग सुने होंगे बहुत ऐसा चेक होता है जो फाल्स कर जाता है, अरे समझे ना। क्यों कर जाता है? क्योंकि जो उसका नीचे का कोड है वो हमारा रीडर जब रीड नहीं कर पाएगा, फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सीधा उसको ट्रांसफर कर देते, नहीं ये सही नहीं है, चेक हम मान्य नहीं करेंगे। लेकिन वो जो वही न रहे, जब पहचानेगा नहीं, तो अगर जो गलत चेक भी हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, आ रहा समझे ना। तो इस चेक की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, MICR कोड का, और उस कोड को पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। क्लियर सबको? और इसके बाद जब आएंगे ना, आपको इसमें लास्ट एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका, एक ग्राफिक टैबलेट आप लोग अभी बताई है, जिसका इस्तेमाल कब करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई हमको ग्राफिक्स डिजाइन बनाना है, तो लाइट पेन के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और लास्ट आता है इसमें क्या, कार्ड रीडर, जिसका एक दूसरा नाम होता है मिनी एटीएम, दूसरा नाम क्या होता है, मिनी एटीएम। इसका ज्यादातर इस्तेमाल ना शॉपिंग मॉल में या फिर अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है, या बहुत जगह ऐसे नॉर्मली यूज भी होता है कि जब भी हम कहीं कोई सामान खरीदते हैं ना, और उसका पेमेंट करना हो कार्ड के माध्यम से, तो हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, समझे ना। अब जो यहाँ पे दे रहा क्या, यह डिवाइस बैंक में तथा शॉपिंग मॉल आदि जगहों पर ग्रीन कार्ड को रीड करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग देखे, बहुत जगह ऐसे होता है ना, हम लोग जाते हैं सिंपल कार्ड स्पेस करते हैं और अपने एटीएम का पिन डालते हैं, जितना अमाउंट कटना होता है वो कार्ड, आर समझे ना। उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्ड रीडर। और कार्ड रीडर का ज्यादातर इस्तेमाल आप लोग जानते भी हो कहाँ होता है, जैसे इसका इसको क्या कहा जाता है, मिनी एटीएम, कि अगर जो हम एटीएम कार्ड से पैसा निकालना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो आसानी से इस मशीन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते। हाँ, ये पैसा खुद निकाल के नहीं देता है, एटीएम कार्ड में जैसे ये होता है, एटीएम मशीन में क्या होता है, पहले से पैसा भर दिया जाता है और बाद में जो हम अमाउंट भरते हैं वो बाहर निकाल के दे देते हैं। लेकिन ये क्या करता है, जिसका ये रहेगा उसके अकाउंट से लिंक रहता है, कि आपके अकाउंट से पैसा काट कर उसके अकाउंट में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। आप अगर जो कुछ खरीद उसका बैलेंस मेंटेन हो गया, और नहीं आप निकाल तो पैसा आपको उतना दे दे। क्लियर सबको ना, ये क्या होता है, कार्ड रीडर। अब अभी तक हमने आपको जो बताया, इसमें कोई ऐसा डिवाइस जो समझ में नहीं आया तो फिर पूछ लीजिए, हो जाएगा। नोट्स में एक बार देख लीजिए, जो आप लोगों को बुक दिया गया है ना, उस बुक्स में सारा दिया है ये। अच्छा नहीं, अभी ये माउस हम लोग यूज करते हैं, अभी समूसर यूज करते हैं, लाइट पेन और डिजिटाइजर। हाँ, ठीक बता दे रहे हैं। तो अभी तक इसमें कोई ऑप्शन हो जो समझ नहीं आया फिर पूछ लीजिए, पिछली क्लास में ही सारा बताए थे ना, सबसे पहले क्या माउस से बताए थे ना। माउस क्या, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल अपने कंप्यूटर को इंडक्शन देने के लिए किया जाता है। माउस के पास क्या बताए थे, स्कैनर, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में क्या करता है, बदलता है। और उसके पास हम बताए थे क्या, OCR, जो सेम स्कैनर के जैसा ही काम करेगा, बट अंतर इतना है कि जो हमारा स्कैनर होगा एडिट नहीं करेगा, और जो OCR के माध्यम से यदि हम स्कैन किए हैं उसके फंड को हम एडिट कर सकते। और उसके पास दिया है क्या, ज्वास्टिक। ज्वास्टिक क्या है, कि ज्यादा इसका इस्तेमाल गेम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, कोई गेम खेल रहा और जो उसको कंट्रोल करना, किसका इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोफोन, की और जो अपनी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलना, किसका इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोफोन। और उसके आगे जाएंगे तो फिर अगला क्या दिया है, वेब। क्या है वेब कैमरा, कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी रियल टाइम रियल इमेज हमारे कंप्यूटर में सेव हो या किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाए, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, वेब कैमरा। इसमें आपको एक उदाहरण दिया था, पहले का जो कैमरा था कितना कम समय में फोटो क्लिक करता था, 1 घंटा 8 घंटे का वेट करना पड़ेगा, ला दिया जाए ना पुराना वाला कैमरा, इसे तो मिलेगा बाबा है, 8 घंटा वेट करना पड़ेगा, कमरे आ रहा समझ में ना। और फिर इसके आगे हमने आपको क्या बताया था, टच पैड।
जो किसमें माउस का इस्तेमाल किया जाता है लैपटॉप में, और इसका इस्तेमाल आपको बताया जाए ट्रैक बॉल, जो सेम माउस के जैसा काम करता है लेकिन माउस के जैसे इसको घुमाना नहीं पड़ता है बल्कि इसके ऊपर लगे बॉल को घुमाना पड़ता है। और इसके बाद आज हमने आपको बताया क्या, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन के बाद से लाइट पेन, लाइट पेन के बाद से बीसीआर, बीसीआर के बाद से और ओएमआर के बाद से ग्राफिक्स टैबलेट या डिजिटाइजर, और उसके बाद से कार्ड। क्लियर सबको? चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा है, सिर्फ इनपुट डिवाइस। क्या पढ़े हैं? इनपुट डिवाइस। चूंकि हमने आपको पहले क्या बताया था कि जब हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर पे जाएंगे काम करने के लिए, तो कितने इसमें कितना प्रोसेस होगा, इसमें तीन। पहला क्या था? इनपुट। पहला क्या था? फिर इसके पास क्या है? प्रोसेस। और प्रोसेस बस फिर क्या होगा, हमने यही बताया था ना, यानी कि सबसे पहले क्या होगा? इनपुट। इनपुट बस क्या होगा? प्रोसेस। और प्रोसेस बस से तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इनपुट। और अगली क्लास हम लोग क्या पढ़ना है, अब प्रोसेस, कि अगर जब अपने कंप्यूटर पे काम करना है और किसी डेटा को प्रोसेस करना है तो कंप्यूटर कैसे उसको प्रोसेस करता है, कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो उसको प्रोसेस करने का काम करता है। क्लियर सबको? तो ये आज एक बार आप लोग इनपुट डिवाइस शुरू से लास्ट तक पढ़ लीजिएगा बुक से, जो नहीं समझ में आएगा मार्क लाग उसको अगली क्लास में पूछ लीजिए। क्लियर सबको ना? हाँ, तब तो कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लीजिए। हाँ, जो अभी हम आप लोगों को क्रोम का लोगो बनाने के लिए बोल रहे थे ना, तो वो हम ही बता दे रहे हैं आप लोग, और आप लोगों को बनाना होगा एक प्राकृतिक दृश्य, खूब अच्छा सा सुंदर सा प्राकृतिक दृश्य बन जाएगा ना। वो पहले हमारे किस एमएस पेंट पे ना, हाँ चलो एमएस पेंट हमको बनाना हो क्या, क्रोम का लोगो बोले है ना, उसके लिए क्या करना हो, पहले एक सर्कल लेके क्या ऐसे ड्रा कर लें, बस गोल हो रहा है ये। किसके साथ ड्रा करेंगे हम? शिव के साथ ड्रा करें, बिल्कुल सर्कल में आएगा, हो जाएगा ना। पहला शिव के साथ क्या करिए, ड्रा कर, फिर ऐसे सेंटर में छोटा सा क्या कर लेना होगा, ड्रा करके बिल्कुल सेंटर में रख लेना होगा, हो जाएगा ना। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये आउटलाइन इसका बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है, इसको हटा लीजिए, फिर शेप ले लिए है ना, आपको यहाँ पे आउटलाइन दिखाई देगा, और आउटलाइन के बाद इधर क्या दिखाई देगा, साइज। आउटलाइन अगर नहीं रखना चाहते तो क्या कर लीजिए, नो, कोई आउटलाइन नहीं रहेगा। और यदि रखना चाहते हैं लेकिन साइज पतला, साइज पतला ले लीजिए, और शेप के साथ क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। फिर एक और सेंटर में ड्रा कर लीजिए शेप के साथ, हाँ हाँ हो जाएगा। फिर एक और क्या करना हो, जस्ट इसी के साथ में एक और ड्रा कर लेना, थोड़ा सा इससे बड़ा सा, हल्का सा, हो जाएगा। और आपको अभी सेंटर में नहीं लग रहा होगा ना, तो आप लोग इसको फिर सेलेक्ट करके और इसको अच्छे से क्या कर लेंगे, सेंटर में कर ले, हो जाएगा। अब उसके बाद से आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले नहीं कलर अभी नहीं करना, और जब अभी फिल कलर लेके क्लिक करेंगे ना, देखो पूरा कलर फिल हो जाएगा, और जो एलो पहले ले लिए पूरा एलो हो जाएगा। आ रहा समझ में ना? तो करना क्या होगा, तो सबसे पहले एक बार सर्च कर लीजिएगा, नहीं हो पाएगा तो क्या सर्च किए थे, क्रोम का लोगो ना, तो हमको पहले ये ड्रा कर लेना है, एलो कलर में दिया है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलो कलर ले लेंगे, कलर वन में कौन सा कलर, एलो। अब एक लाइन ले लेना है, साइज को क्या रखना है, पतला है, यहां से ऐसे इधर क्या करें ना, ऐसे ड्रा कर, हो जाएगा। नहीं हो थोड़ा सा मैग्नीफायर लेके ऐसे जूम करके देख लिया, कहीं छूटा तो नहीं है ना, नहीं छूटा है ना, फिर राइट क्लिक करके इसको हटा दीजिए, हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, एक और लाइन ले लेना है, और इसमें देखिए नीचे वाले हम कौन सा कलर फिल दिया है, ग्रीन है ना, अब हम लाइन ले लेंगे कौन सा वाला, अब हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसको ड्रा कर लेंगे इधर के, हो जाएगा। इसका क्या रेड है ना,
फिर रेड कलर ले लेंगे और इसमें यहां से लेके ड्रा कर लेंगे ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे ही है ना, हो जाएगा। अब क्या करना है, फिल कलर ले लेना है, ऊपर वाले में रेड है ना, रेड लेकिन पूरे में हो गया। चलो उसके लिए क्या करो, थोड़ा सा अंडू करी मैग्नीफायर लेके यहाँ जूम करी, देखिए यहाँ पूरा सटा चिपका नहीं है ना। फिर पेंसिल ले लीजिए और येलो कलर ले करके इसको पूरा क्या कर लिया ऐसे, अब हो जाएगा ना। अब मैग्नीफायर लेके जूम आउट कर लीजिए। अब कौन सा कलर लेना है, इसमें रेड, उसके नीचे वाले में येलो, और उसके बाद वाले में, और उसके अंदर वाले में ये वाला कलर लेके फिल कर देंगे। देखो बन गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, बना ले जाएंगे सभी लोग ना। और उसके बाद आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना हो तो बन जाएगा ना। हाँ एक चीज, शायद आप लोगों को ट्री बनाने में थोड़ी सी समस्या हो रही होगी, हो रहा होगा ना। देखिए उसके लिए क्या करिएगा, आपको ये क्लाउड वाला दिख रहा होगा, से दिख रहा है ना, ऐसे ड्रा कर लीजिएगा और इरेजर लेके इसको हम क्या कर लेंगे ऐसे, ये बस इरेज करेंगे, सारा नहीं इरेज करना है, हो गया। अब आप लोगों को बताए थे कर्व शेप वाला, यहां से क्लिक करिए और नीचे लेकर के आ जाइए ऐसे, अंदर की तरफ क्या करिए ऐसे मोड़ लीजिए, हो जाएगा। फिर यहाँ ऊपर से इसको नीचे की तरफ लेके आइए और यहाँ से अंदर की तरफ फिर से क्या कर लिया ऐसे मोड़ लीजिए, बन जाएगा। जैसे आपको कलर फिल करना है वैसे कलर ले लीजिए, और ये ज्यादा लग रहा होगा ना तो फिर आप यहाँ से ये वाला ब्रश ले लीजिएगा, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा और ऐसे इसको सर डार्क ही ऐसे बन जाएगा ना। क्या हुआ, कौन हाँ सा वाला कलर है? हाँ हाँ चलो इसे कर लो, हो जाएगा ऐसे ना। थोड़ा सा क्लिक किए रहेंगे थोड़ा सा और डार्क होता जाएगा, इससे पूरा दिखाई दे कहाँ पेड़ है, कि अगर देखें कुछ पारदर्शी दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना। और नीचे वाला जो आपको कलर रखना हो कलर रख लीजिएगा, कर ले जाएंगे लोग। देखिए अभी एक तरफ का एक पार्ट अभी हम कलर कर रहे हैं इसमें, हाँ हाँ क्या उसमें दिया है ब्रश वाले में, बताए थे पिछली क्लास में आप लोग, हो जाएगा जी ऐसे बस सारा करते जाना है। और इसके ऊपर आप लोग को और चिड़िया बैठाना है फिर बैठा दीजिएगा, अच्छे से बना ले देंगे लोग ना। अब तो आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो ही गए हैं, हो गए लोग ने जी। चलो फिल कलर ले लेंगे और फिल कलर लेने उसको कुछ अलग कलर लेके इसमें नीचे क्लिक कर, हो जाएगा बन जाएगा। और उसके बाद से आपको क्या करना है, हाँ नहीं तो एक ब्लैक कलर ले लीजिए यहाँ पे और पेंसिल ले करके हल्का सा ऐसे ड्रा करिए, ऐसे लगे कहाँ ये उड़ उड़ रही है चिड़िया यहाँ से, हो जाएगा ना। हाँ थोड़ा सा जूम करके अच्छे से बनाए तब प्रॉपर दिखेगा, दूर से कैसे दिखाई देगा, नहीं उसके लिए सेफ नहीं। उसके लिए या तो बना लीजिए आप पेंसिल लेके, या तो फिर जूम करके इसी को अच्छे से डिजाइन कर लीजिए, चिड़िया क्लियर बनेगा, बहुत टाइम लगेगा। आप लोग सर्च कर लीजिएगा ब्राउजर पे, यहाँ पे इमेज बर्ड डिजाइन एमएस पेंट में, और उसी के माध्यम से देखिए आप लोग बनाइएगा पेंसिल से, हो बनाओ जाएगा ना, कोई दिक्कत, इतना बना सकते हो दिखाइएगा। फिर ऐसे सबका कुछ ना कुछ प्राकृतिक दृश्य वाला डिजाइन बनना चाहिए। तो